हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोबी एंड आई एम बैक विद अनदर व्लॉग। एंड आई नो इट्स बिन अ वाइल जब मैंने कोई व्लॉग बनाया हो, एंड आई एम ट्राइंग टू बी कंसिस्टेंट। कैसे कंसिस्टेंट हो गए? नहीं मतलब ऐसे कुछ इमीडिएटली नहीं सोचे हैं, लेकिन सोचेंगे। लेकिन कंसिस्टेंट होने के लिए कुछ मोटिवेशन चाहिए। इफ़ यू वॉन्ट टू मोटिवेट मी, यू कैन मोटिवेट मी इन माई इंस्टाग्राम, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, और यू कैन मोटिवेट मी इन द कमेंट सेक्शन, जहाँ मर्जी जस्ट मोटिवेट मी। सो एनीवे, आज के ब्लॉग में हम जो हैं एक लाहौर का फेमस हरीसा ट्राई करने वाले हैं। अगर आपको हरीसे का नहीं पता, देन गो गूगल इट। ओके, इट्स द ट्रेडिशनल डिश जो कि सारी लाइक दालें वगैरह डल के बनती है विद सम चिकन और बीफ और मटन। सो या जस्ट गो एंड गूगल इट। और जिस हरीसे की शॉप पे हम जा रहे हैं, ये लाहौर की वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड शॉप है, जो कि अंदरून वॉल्ड सिटी ऑफ लाहौर के करीब लोकेटेड है, लक्ष्मी के पास। अमृतसरी हरीसा इसका नाम है। ऐसे काफ़ी सारी कॉपीज़ भी हैं, जिसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भी हुई थी कि हमने वहाँ से पूछा कि जो ओरिजिनल अमृतसरी हरीसा है वो कौन सा है। तो उन्होंने हमें बताया कि आप एक क्रॉस करेंगे वो नहीं है, दूसरी क्रॉस करेंगे वो भी नहीं है, तीसरी क्रॉस करेंगे वो भी नहीं है, जो एंड पे आएगी ना चौथी वो वाली है। सो दैट्स प्रीटी डिफ़िकल्ट। और इस अमृतसरी हरीसे की एक पूरी हिस्ट्री है इस शॉप की, और जो कि हमने उनसे पूछी है, जो आपको उन्हीं से ही सुनवाते हैं। अमृतसर हरीसा हम पहुंच गए हैं और यहाँ का मेन्यू हमें मिल चुका है, और कुछ यहाँ से स्पेशल ऑर्डर करने के बाद यहाँ की हिस्ट्री और यहाँ की सारे कुछ स्पेशलिटीज़ इन्हीं के ऑनर से हम जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, इनका नाम है मोहम्मद नवाज़ अहमद, और ये हमें यहाँ की सबसे पहले हिस्ट्री बताएंगे। तो सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि अमृतसरी हरीसा ये नाम की हिस्ट्री क्या है? ये हिस्ट्री ये है कि हमारे दादाजी जो थे ना, वो अमृतसर से थे, इसलिए इसका नाम रखा गया अमृतसर हरीसा। और क्या क्या चीज़ है जो आपके अमृतसरी हरीसे को बाकी तमाम लाहौर या पाकिस्तान के हरीसों से मुख्तलिफ करती है? ये अच्छा है कि इसमें ये बीफ और चिकन और मटन का हरीसा होता है हमारे पास, ठीक है ना। तो ये पूरे पाकिस्तान में ये कोई बना नहीं सकता हमारे लाभ, ठीक है। तो ये हर चीज़ क्योंकि ना मटन के ख्वाब और मटन का हरीसा और बीफ के ख्वाब बीफ का हरीसा, ठीक है ना। चिकन और चिकन के साथ ख्वाब नहीं होते, ठीक है ना। ठीक हो गया। और आप कितनी देर से यहाँ पर इस टाइम आप? ये हमें 1947 में हम आए थे हमारे दादाजी, ठीक है ना। तो तकरीबन 70 साल हो गए तकरीबन। सही, तो आप भी हैं तब से यहाँ पे काफ़ी? आपको कितनी देर हो गई? मुझे इधर हो गए हैं 26 साल। तो आपके जितने भी यहाँ पे शेफ हैं जो आपको काम करते हैं, वो भी इतने ही पुराने हैं? उनको 35 साल हो गए। तो यहाँ की सबसे स्पेशल चीज़ क्या है? आप हमें क्या चाहेंगे कि हम क्या खाएं यहाँ से? हमारी तीनों स्पेशल है, ज़्यादा लाइक करते हैं बीफ को। चले सही है, बीफ हम ऑर्डर करते हैं और फिर देखते हैं क्या इनका यहाँ पे प्रोसेस। थैंक यू वेरी मच। अब इनका मेन्यू है तो बता फिर क्या ऑर्डर करें यार? यार उन्होंने बीफ ही कहा था कि बीफ अच्छा है हमारा, स्पेशल है, बीफ ऑर्डर करते हैं। बीफ ही करें। तो वैसे तो आकिब ने काफ़ी जगह हरीसा ट्राई किया हुआ है, लेकिन यहाँ का हमने एक साथ ट्राई करना था, तो टेस्ट कराते हैं और पूछते हैं कि कैसे यहाँ का हरीसा। आला, डाडू मजो आयो। जो वहाँ पे प्रिपेयर करते हैं, जो हमें बनाते हैं, वो हर तरह से फूड कंट्रोल के रिलेटेड, फूड कंट्रोल के मद्देनजर रख के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली बनाते हैं। तो इफ़ यू आर सफाई कंसर्न्ड,
तो देन इट्स ओके फॉर यू. वो कम्प्लीटली साफ़ सुथरी जगह है एंड ईच एंड एवरी थिंग जहाँ पर प्रिपेयर होती है वो साफ़ सुथरे तरीके से ही होती है. ऑफकोर्स वन ऑफ द ऑलेस्ट शॉप इन लाहौर एंड दे डू फॉलो द रूल एंड रेगुलेशन देयर. आपका नाम? मोहम्मद मुश्ताक. आप कितने से यहाँ पे कर रहे हैं? मैं इधर 14 साल हो गई. 14 साल से अभी नहीं? जी सर. तो आप क्या आपको लगता है कि यहाँ मतलब किस तरह से आपका हिस्सा बाकी पूरे पाकिस्तान या पंजाब के हिस्से से मुख्तलिफ है? ये सबसे पुरानी दुकान है, 65 साल पुरानी है. अमृतसर से ये आए हैं. सबसे अच्छी ये इधर ही है जो ईशान खाते लोग. और सर्दी के ये सीज़न अच्छी सुगात है. अच्छा अच्छा. तो इसमें ताकत होती है क्या रीसा? मतलब क्या है थोड़ी डेफिनेशन बताओ. रीसा ताकतवर है या किस तरह? रीसा ताकतवर है. सबसे पहले बात है ये अपने जोर पाप की पसंदीदा डिश थी. अच्छा जी. उसमें दालें कुछ पड़ दी हैं, 4-5 दलिया होता है, मसाले होते हैं काफ़ी सारे. ये चीज़ें होती हैं. जैसे ये सर्दी पड़ती है वैसे आपको टेस्ट इसका ज़्यादा चलेगा. टेस्ट तो माशाल्लाह मैंने खाया, मुझे तो बहुत अच्छा लगा यहाँ का. बाकी ठीक है, बहुत शुक्रिया. तो हरीसा हमने खा लिया अमृतसरी रीसा चैन. ऑब्वियसली इट वाज वन ऑफ द बेस्ट रीसा आई हैव एवर ट्राइड. और टेस्ट वाइज, सर्विस वाइज, आई गिव इट 9 out of 10. इट वॉज रियली फास्ट सर्विस एंड इट वॉज रियली डिलीशियस. So apart from this, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं लाहौर की हर underrated food place को try करूँ. अगर आपको किसी ऐसी जगह का पता है जिसका taste बहुत अच्छा है और वो जगह बहुत underrated है तो आप मुझे comment section में या Instagram पर जहाँ मर्ज़ी उस जगह के बारे में बता सकते हैं. I'll definitely visit there, I will definitely try the food and I will definitely vlog it inshallah and I'll be consistent. That is it for today guys. I hope you enjoyed this vlog. And I know I have not been consistent, but I promise I will try to be consistent more. So yeah, please drop a like if you enjoyed it. Please subscribe and yeah, leave a comment if you know any underrated place that we can go and try. Thank you so much for watching. Allah Hafiz.